शिवपुरी जिले के पिछोर में कांग्रेस विधायक ने नए पंचायत भवन का फीता काटा तो जिले के प्रभारी मंत्री ने सीएमओ को निलंबित कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले पिछोर में नया नगर पंचायत भवन बनकर तैयार हुआ था। इस भवन का यहां के कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने उद्घाटन कर दिया था। मंगलवार को जब जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पिछोर के दौरे पर आए तो उन्हें इस बात की जानकारी लगी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सीएमओ को निलंबित करने के आदेश दे दिए। प्रभारी मंत्री का कहना था कि मंत्री और सत्ता के लोगों को पता तक नहीं था कि फीता काट दिया गया है। कुछ विगत दिनों पहले नगर पंचायत भवन का भूमि पूजन बिना मंत्री और बिना कार्यकर्ताओं के एक तरफा कर दिया गया है। सीएमओ को मैंने प्रथम दायित्व उत्तरदायित्व मानते हुए सीएमओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश। नारायण जी गुप्ता जिन्होंने पिछोर का नाम अकेला पिछोर में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में गौरवान्वित किया, ऐसी महान विभूति जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिनका अभिनंदन और स्वागत किया था, आज उनकी मूर्ति और पार्क का भूमि पूजन हमने यहाँ किया है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बता दें कि पिछोर में बस स्टैंड परिसर में लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र वितरण करने पिछोर आए थे महेंद्र सिंह सिसोदिया। उन्होंने यहाँ बीजेपी के पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता की स्मृति में बनने वाले मूर्ति स्थल का भी शिलान्यास किया। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव की रिपोर्ट अभी तक।